खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर ग्वालियर से, कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं हो सकेंगी राजनीतिक नियुक्तियां, सोसाइटी के करने होंगे चुनाव। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जनहित याचिका पर आदेश दिया है। सरकार बिना चुनाव के पार्टी के लोगों को पदस्थ करना चाहती है। हाईकोर्ट ने 4 प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बैंक्स में चुनाव नहीं होने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में 10,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है। ग्वालियर से ये खबर आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से ये खबर है जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी। संतोष इस पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोसाइटी के लिए अब चुनाव करवाने होंगे, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी, कितना असर पड़ेगा संतोष इस नए फैसले के बाद? जी, ग्वालियर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब जो मध्य प्रदेश सरकार है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां करने वाली थी, लेकिन हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने फिलहाल नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित जनहित याचिका पर 4 प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले में सोसाइटी के चुनाव को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उस जनहित याचिका में दलील दी गई थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो बैंक है उनमें चुनाव नहीं होने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उसमें ग्वालियर का हवाला दिया गया है दलील में कि अकेले ग्वालियर में ही 10,000 करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ है, क्योंकि प्रशासक की मॉनिटरिंग ही कर रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि वो वहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी के रूप में जो बैठे हैं वो प्रशासक बैठे हुए, ऐसे में घपले होने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अब फिलहाल बात की जाए तो 1 सप्ताह का जवाब हाईकोर्ट ने मांगा है, 1 सप्ताह के अंदर अब जवाब देना होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सरकार के लिए बड़ा झटका है, अब उसमें नियुक्तियां नहीं की जा सकती, चुनाव कराने होंगे। जी ठीक, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए संतोष।